लास्ट वाली भी वीडियो में हमने देखा था कि क्या होते हैं इनलाइन फंक्शन और क्या कैसे यूज़ किया जाता है इनलाइन फंक्शंस को। और हमने ये भी देखा था कि इनलाइन फंक्शन जो होती है वो एक रिक्वेस्ट होती है, ठीक है। तो आज जो हम एक नया एक कंसेप्ट सीखने जाते हैं सी प्लस प्लस का, शायद जो आप में से सी यूज़ कर चुके होंगे उनमें या कोई और लैंग्वेज में एक कंसेप्ट उनको अक्सर यूज़ करते हैं हम, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एज डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स देखेंगे हम आज कि डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है और एक कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोड लिख के रखा है ताकि मैं जल्दी हो जाए। वे हैव अवर मेन मेथड और मेन फंक्शन, ठीक है, और वे हैव क्लास कॉल्ड एज ए। तो क्लास ए है हमारे पास, तो उसमें एक हमारे पास डेटा मेम्बर है एक्स, एंड वे हैव अ फंक्शन कॉल्ड एज सेट। व्हाट सेट डज इज दिस, इट्स टेक्स अ इसको लगता कहता हूँ इट टेक्स अ वेरिएबल, ठीक है, एक आर्गुमेंट लेता है, ठीक है, एक आर्गुमेंट लेता है और उस एक आर्गुमेंट को एक्स को इनिशियलाइज कर देता है एक्स, ठीक है। तो एक्स को इनिशियलाइज करने के लिए सेट को एक आर्गुमेंट भेजते हैं, ठीक है। तो सिंपल, एंड देन वी हैव अ गेट। व्हाट गेट डज इट, गेट रिटर्न दैट वैल्यू, जो हमने इसको वैल्यू दिया है तो रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली ए का ऑब्जेक्ट बना हुआ है और ऑब्जेक्ट पहले सेट को कॉल करता है, उसको आर्गुमेंट भेजता है, ठीक है, क्योंकि एक आर्गुमेंट लेता है वन आर्गुमेंट और इंटीजर टाइप, तो हमने इसको इंटीजर टाइप यहाँ पर 10 दिया है, ठीक है। हम यूज़र से भी ले सकते हैं बट सिंपलिसिटी के लिए हमने इसको यहीं से दिया है। तो ये कुछ भी हो सकता है, सपोज 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं वैल्यू जो भी इंटीजर वैल्यू हो सकता है। हमने यहाँ पे एक सिंपलिसिटी के लिए इसको 10, क्योंकि ये आर्गुमेंट एक लेता है, ठीक है, इट्स वन आर्गुमेंट, तो इसको हमने पास किया है एक वैल्यू पास किया है 10, ठीक है। तो ये 10 जब इसको हम कॉल करेंगे, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगी ये लाइन, तो यहाँ पर चले जाएगी, यहाँ पे क्या होगा, इस n में 10 वैल्यू चला जाएगा और उस x फिर 10 से n से इनिशियलाइज हो जाएगा, यानी x बन जाएगा 10, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू जो पास किया है, वैल्यू पास टू n इज इक्वल टू 10। क्यों 10 है? क्योंकि हमने इसको यहाँ पे पास वैल्यू किया है। अगर हम इसको 100 कर दें कोई भी इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पर ऑब्वियसली 100 जाएगा और एक्स में भी 100 जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारे पास एक और मेथड है गेट, जो कि रिटर्न करती है एक्स का वैल्यू, तो हम उसको फिर डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया है, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस सेट को वैल्यू भेजा है 100 अभी फिलहाल, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या हमें 100 वैल्यू रिटर्न मिलता है कि नहीं। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू 100 मिल गया है, इसका मतलब ये ठीक चल रहा है। हम इसको एक और टेस्ट करेंगे, सपोज वी विल सेट इट द वैल्यू ऑफ 200 या 2000, हम इसको 2000 वैल्यू भेज दें, तो एग्जीक्यूट करते हैं एंड वी गेट द वैल्यू 2000 हियर। दैट मीन्स हमारा जो कोड है ठीक से काम कर रहा है, ठीक है। सो वी विल स्टिक इट टू से 100। अब ये तो मैं इसको यहीं से दे रहा हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा प्रोग्राम को ट्विस्ट करूँगा। सपोज वी हैव अ वेरिएबल कॉल्ड एज इंट एन यहाँ पे, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, हम यूज़र से मांग रहे हैं, ठीक है। और अगर हम यूज़र से मांग रहे हैं तो सपोज उसने क्या किया, यूज़र से मांगेंगे तो यूज़र देगा वैल्यू और वो वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और ये वैल्यू जो n का वैल्यू है हम पास करेंगे ऊपर, ठीक है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसमें और इससे पहले जो हमने किया था कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, अब इससे पहले हम खुद वैल्यू दे रहे थे, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हम यूज़र को बोल रहे हैं कि आप वैल्यू सेंड करो, कोई भी यूज़र, और वही रिटर्न हमें होना चाहिए। हम एग्जीक्यूट करेंगे इस प्रोग्राम को, तो पहला आ रहा है कि इंटर वैल्यू टू पास, कोई वैल्यू दे दो, हम वैल्यू देंगे, सपोज वैल्यू 1, 2, 4,
तो 1 to 4 वहाँ से रिटर्न हो गया हमें कि आपने वैल्यू जो पास किया है वो 1 to 4 है. ओके इसका मतलब ठीक से हमें चल रहा है. ठीक तो ऐसा भी हो सकता है. अब अगर क्या हो जाए कि हम चाहते हैं अगर कभी यहाँ पे वैल्यू पास ना हुआ, यहाँ पे वैल्यू पास ना हुआ, ठीक है, सपोज ऐसा अब यहाँ पे वैल्यू पास ही नहीं हुआ लेकिन ये एक्सपेक्ट कर रहा है एक वैल्यू होना चाहिए इसको. अगर मैं ऐसे कर लूँ इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो इट गिव मी एन एरर. ये मुझे एरर बोला कि यहाँ पे तो ये जो सेट वाली फंक्शन है ये तो एक्सपेक्ट कर रही है आपसे कि उसको एक वैल्यू आर्गुमेंट उसको पास करो इंटीजर टाइप का, लेकिन आप तो भेज ही नहीं रहे हो. ठीक है, ऐसी कंडीशंस होती है हमारी जनरल लाइफ लाइन प्रोग्राम, जब भी हम प्रोग्राम करते हैं या हम अपने मोबाइल चलाते हैं कुछ और, तो कभी कोई एक्सपेक्ट कोई वैल्यू करता है. ठीक है, कहीं पे हम कुछ देते हैं, हम कभी करते हैं कि वहाँ पे ऑप्शन होती है स्किप, अगर आप नहीं देना चाहते वैल्यू स्किप करो, तो उस स्किप के टाइम के बाद क्या होता है कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होते हैं वहाँ, जो भी हो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स पे चले जाते हैं. तो यहाँ पर भी हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग दे सकते हैं. तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग कैसे दिया जा सकता है, अभी हम यहाँ पे इसको कोई वैल्यू नहीं पास करेंगे लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जो फंक्शन है हमारी वर्क करे, हमारी मेथड कॉल जो है वर्क करे. मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे आर्गुमेंट, यहाँ पे फंक्शन डेफिनेशन में n इज कॉल्ड 30, कुछ भी लिख सकता हूँ, कोई भी इंटीजर वैल्यू. अब मैंने क्या कर दिया इसको, मैंने इसको पहले ही बता दिया कि n इज कॉल्ड 30 है. ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा. वैल्यू टू पास 56, मैंने 56 दिया लेकिन मैं 56 को दे नहीं रहा हूँ, मैं उसको पास ही नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ से मुझे दिखा रहा है कि 30 वैल्यू दे रहा है. ठीक है, वो मुझे तो रिटर्न कर रहा है. रिटर्न में हम थोड़ा सा मैसेज इसको लिखेंगे, ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा बेटर समझ आए. तो एग्जीक्यूटेड वन सेकेंड, तो इंटर द वैल्यू टू पास, सपोज विल गिव वैल्यू ऑफ 444 बट इंटर इंटर वैल्यू इज 30. तो ये बता रहे हैं हमें कि नहीं, आपने जो वैल्यू किया था इंटर वो 30 है, लेकिन हमने तो 30 नहीं दिया था, हमने तो 44 किया था. अब क्यों हुआ ये 30 क्यों आया, क्योंकि हमने इस सेट के टाइम पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया, नो वैल्यू पास, तो हमने कोई वैल्यू भी पास नहीं किया. जब हमने कोई वैल्यू पास किया ही नहीं तो यहाँ पे लेकिन हमने लिखा है n इज इक्वल 30. ठीक है, तो यही 30 आ रहा है. अब यहाँ पे सोचने की एक देखने की चीज़ है, मैं यहाँ पे n लिख रहा हूँ, ठीक है, n लिख रहा हूँ, अभी वैल्यू भेज रहा हूँ, इसको एक बार फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, ये मुझे बोल रहा है वैल्यू पास करने के लिए वैल्यू दो, मैं 777 लिखता हूँ, और ये मुझे बोल रहा है इंटर वैल्यू इज 777. अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये कि जब मैं इसको वैल्यू भेज रहा हूँ तो वो वही वाला वैल्यू ले रहा है जो मैं इसको भेज रहा हूँ. अगर मैं इसको वैल्यू नहीं भेज रहा हूँ, सपोज मैं इसको ऐसे खाली कॉल कर रहा हूँ, तो ये जो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा है, यहाँ पे जो मैंने वैल्यू इसको इनिशियलाइज किया है, ये वही वैल्यू ले रहा है. सो इट इज़ कॉल्ड हियर एन इज कॉल्ड 30 इज डिफॉल्ट वैल्यू. वट इज़ डिफॉल्ट वैल्यू देन, अगर हम किसी फंक्शन कॉल में अगर कोई हमारी मेथड हो या कोई फंक्शन हो तो वो उसको एक आर्गुमेंट चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, एक से ज़्यादा चाहिए, जितने भी हो सकते हैं हमारे पास, लेकिन हम उसको वो वैल्यू दे ही नहीं रहे हैं. अगर हम उसको वैल्यू नहीं देंगे तो वो डिफ़ॉल्ट जो है एक खुद से एक वैल्यू उसको लेगा. तो ये वाली कंडीशन उन जगह पे हमारी काम आती है. देखो यहाँ पर सिंपली हमने n इसको 30 किया, इसका मतलब अगर हम कोई वैल्यू भेजे ही ना, अगर हम भेजते वैल्यू तो ये उसी वैल्यू को लेता, अगर हम नहीं भेज रहे वैल्यू तो इस बाय डिफ़ॉल्ट इस एन का वैल्यू 30 ले लेता है. ठीक है, यहाँ पर एक सिंपल चीज़ देखने की है, सपोज हमारे यहाँ पे अगर दो वैल्यूज होते इंट ए होता उसके बाद इंट एन होता, तो जो डिफ़ॉल्ट होने होते हैं वो हमें हमेशा राइट साइड पे रखने चाहिए. हमें एक से ज़्यादा भी डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट हो सकते हैं लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि जो जिनको हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू को ही देना है दैट शुड बी प्लेस ऑन द राइट साइड ऑफ द लिस्ट. तो यहाँ पे दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन हमेशा जो डिफ़ॉल्ट होने चाहिए वो राइट साइड होने चाहिए. यानी अगर हम ऐसे लिखें, पहले डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिर उसके बाद इंट
ए कोई कुछ और या जेड जो भी एक और, अगर एक और वैल्यू ले रहा है तो ये गलत तरीका है लिखने का, ठीक है, ये सही नहीं है। तो हमेशा यहाँ पे ध्यान एक चीज़ रखने की, अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई ले रहा है, कोई आर्गुमेंट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो दैट शुड बी प्लेस ऑन द राइट साइड ऑफ द लिस्ट।